हेलो। तो भाई डे टू है, हम आ गए हैं और सुबह हो चुकी है। मैडम के चाय नाश्ता हो गया। कैसा लग रहा है इंडिया के? पहली रात कैसी गई? अच्छी रही? तो बहुत थकी हुई सी हो रही है अभी भी इसकी हालत। लेकिन अब मैडम को स्पेशल चीज़ खिलाने वाले हैं। हम मंगाए छोले भटूरे, क्योंकि वहाँ पे मिलता नहीं है ना ये इंडियन वाला स्वाद, तो छोले भटूरे मंगाए। अब देखते हैं रिएक्शन ऐसे हो जाएगी इसकी। जीप कैसे कैसे करोगे? चिपका लवलो आ जाएगी। अब ये अभी कपड़े निकाल रही है, तो अभी करते हैं आगे का ब्लॉग। अब मैं कोशिश करूँगा सारे दिन का बनाऊँगा। 15-16 दिन है, तो 15-16 ब्लॉग होने चाहिए ना। तो शुरुआत हो चुकी है इस ब्लॉग की, सेकंड ब्लॉग है। तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। चलिए पूरा देखिए। तो भाई मैडम के लिए पहले से ही हमने इतने सारे पार्सल मंगा के रख रखे। आएगी तो इसको सरप्राइज़ देंगे। अब एक एक करके ट्राई कर रही है। जो फिटिंग साइज़ आएगा वो हम आपको वीडियो में दिखाते रहेंगे कि किस तरीके का, बताना कमेंट करके। सारे कपड़े तो भाई हमने सारे कपड़े तो चेक कर लिए, एक एक्सचेंज में डाला भाई साइज़, बाकी सारे परफेक्ट आए हैं। और वो मैडम ने मना कर दिया कि अभी मत दिखाओ, जब पहनूंगी एक एक बारी तब देखेंगे ना सब। और ये कनाडा से क्या क्या लेके आई है वो देखते हैं भाई। क्या क्या लेके आई है? कुछ तो लाई है। कनाडा इज फेमस फॉर सो मेनी थिंग्स, बट मेपल लीफ। वहाँ पे मेपल लीफ के ट्रीज होते हैं। हाँ, मेपल और मेपल लीफ का फ्लैग होता है। मेपल लीफ की है कुकीज। क्या बात है। और उसके अंदर मेपल सिर्फ डला हुआ है। So I have bought this is ऐसी जेकब मेपल लीफ cookies। ठीक है, कुकीज है कनाडा की। ये निशाने लिया ही चॉकलेट और this is, इसमें शेप बनी हुई है ना लीव्स की सारी। ये क्रीम में हो गया। और दिस इज मेपल सिरप। वहाँ पे मेपल सिरप बहुत चलता है। क्या बात है, चार चार बड़े बड़े पैकेट लेके आई है कि वहाँ की। कुछ तो खिलाऊंगी मैं यहाँ पे लोगों को। वहीं की है, यहाँ पे मिलेगा। हाँ, ये आने मिलेगा। मेपल यहाँ मिलता ही नहीं है। और क्या ले आए हो? और क्या ले आए? मेरे लिए आया मम्मी। मम्मी का अलार्म बज गया। अय होए, एक मिनट रुको यार, फोकस करते हैं। वाओ, गोल गोल घूमता हुआ। इट्स अ की चेन। की चेन विद फ्लावर ऑन इट। हैवी है। Yeah, this is Kansa flag. I like it. Thank you. Made with pure Canadian maple syrup. Wow. आ गई मम्मी, आ गई मम्मी, ऊपर आ गई। क्या आया है? भोजन, भोजन लाए हैं मम्मी। छोले भटूरे और साथ में आई हाय यमी डिलीशियस। इनको करते हैं साइड में। पापा को बोल दिया था मैंने। हाँ, मैं एडिट कर रहा था ना। फिर देखो कनाडा से क्या लाई है बहू रानी, खाली हाथ नहीं आई। ये देखो क्या क्या लेके आई है। ठीक है, ये देखो क्या लेके आई है। सुंदर है, सुंदर है। बिस्किट लेके आई है वहाँ की। चलो अब खाते छोले भटूरे। तो भाई छोले भटूरे तरस रहे हैं मैडम के पेट में जाने के लिए। मैडम के पास कॉल पे कॉल आ रहा है, जैसे सेलिब्रिटी नहीं आते दिल्ली के, तो दिल्ली के ही होते हैं। और तुम कनाडा में भी खा लोगे तो भी मजा नहीं आता। क्योंकि दिल्ली के छोले भटूरे तो अलग ही होते। बावली हो गई खा के, तो पता नहीं क्या ही करेगी। चलो हम छोले भटूरे एंजॉय करते हैं, फिर बाद में बताते हैं। वहाँ की कुछ बातें भी बताइए बीच बीच में, पूछता रहूंगा इससे। तो भाई हमने चटकारे तो मार लिए। अरे मैडम कैसे लगे? क्या करे, मजा आ गया। नजारे आ गए। अब इसके डाइजेस्ट करने के लिए कुछ लेंगे नहीं तो भैया। प्लस
ज़्यादा टेस्टी इसलिए है क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद खाया, टेस्टी प्लस टेस्टी है। आफ्टर लाइक फोर मंथ्स उससे पहले भी कौन से खा के गए थे पता नहीं कब खाए थे, चार पाँच महीने। हाँ तो भाई अच्छा, कनाडा में क्या अच्छा मिलता था खाने के लिए? वैसे तो देखो डिफरेंट टेस्ट तो होता ही है, कुछ मैंने लेकिन जो आपको बेस्ट लगता था जो हम प्रेफर करते थे। अरे भाई खाने में पूछा था मैंने, आपने पीने का बता दिया। और जो उस दिन मैंने जो बोल ट्राई किया था वो उसको सिलेंट्रो बोल, उसमें क्या होता है? उसमें सैलड्स होते हैं, उसमें राइस किनुआ राइस होते हैं, वो राइस भी मतलब हेल्दी वाले होते हैं। अच्छा। चिकन होता है उसमें, वेजीज होती है, मतलब एक प्रॉपर हेल्दी बोल होता है। ऐसे ये हो गया मतलब उसमें सैलेड भी होती है और साथ में वो टिक्की मतलब बर्गर टाइप्स में होता है वो। हाँ। वो उसको आप रैप में भी खा सकते हो और बोल में लेना, वैसे बोल मैंने बोल में खाया था। और फिर जो सिलेंट्रो सॉस होती है, देख रहे हो अंग्रेजी सिलेंट्रो पलेंट्रो, यहाँ तो चटनी बोलते हैं, सफेद वाली सॉस देना। सिलेंट्रो सॉस हमारे में धनिया की चटनी होती है। अच्छा। पर वो वाइट में होती है क्योंकि उसमें हल्का धनिया होता है, कम धनिया, हमारे में हम धनिया ज्यादा होते हैं और तो ग्रीन हो जाती है, वो वाइट में होती है और खट्टी खट्टी होती है। चलो ठीक है। और मेरे को चिकन डाल, चिकन डाल पिका सैंडविच होता है एक्चुअली। अब इसको थोड़े दिन में सपने आने लग जाएंगे, टिम होटल में ऑर्डर ले रही है। और कैसे ऑर्डर लेते थे? हेलो गुड मॉर्निंग, हाउ मे आई हेल्प यू? हाँ नो नथिंग, हाउ आर यू पेइंग? कार्ड से, क्रेडिट कार्ड और कैश। बढ़िया है। ठीक है। इस मैडम की पहले दिन ही लगी थी जॉब टीम होटल में, किसी ने नहीं देखी तो देख लो, चैनल पे पड़ी होगी वीडियो। और फिर इसके बाद इसकी जो मैनेजर है वो भी इम्प्रेस है इसके काम से, तो इसने बोला कोई नहीं आप जा आओ इंडिया फिर वापस ज्वाइन कर लेना, नहीं तो ऐसे ज्वाइन करवाते नहीं इतनी जल्दी। और तीसरा इसने अपनी फ्रेंड्स को भी वहीं पर वो मतलब रेफरेंस दे दिया रूममेट को कि आप भी चले जाओ वैकेंसी खाली। कनाडा में रेफरेंस सबसे ज़्यादा चलते हैं, अगर कोई बोल देता ना कि हाँ मैं जानते हो तो जल्दी से रख लेते हो, उनको ट्रस्ट हो जाता है, जानते हो उसको, कोई नया बंदा नहीं है। ज़्यादा बनाओ जितने लोगों से बना सकते हो, फुल टाइम। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये डे टू चल रहा है मैडम के आने के दूसरा दिन, उसके बाद खा पी के हम मैंने वीडियो एडिटिंग करके मैं अब शूट पे निकल चुका हूँ और मैडम थोड़ा रेस्ट कर रही है क्योंकि वो पता है फ्लाइट का वो हो जाता है जिसको बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, दिन रात का पता नहीं होता, तो उसको एक दिन लगेगा भी बाहर निकलने में, रेस्ट मिलना चाहिए। तो ऐसे में मेट्रो में आ रहा था आज, वैसे थोड़ा गांव-गांव से एरिया लग रहा था क्योंकि मैं आया हूँ टीकरी कलान में, तो मेट्रो में आ रहा। मैंने जब से वाईफाई है मैंने ना दो दिन से चेक करना ही छोड़ दिया, पहले तो मैं रोज़ चेक करता था मेरा वीज़ा कब आएगा, पीपीआर रिक्वेस्ट मतलब वीज़ा स्टैम के लिए आएगा नहीं आएगा। तो भाई देखो शुरू से है ना मैं मंगलवार को ज़्यादा मानता हूँ, शुरू से ही बचपन से ही, और फास्ट वगैरह भी कर रही है बचपन में बहुत, फिर जैसे बड़ा हो गया तो फिर ये फील्ड वाली जॉब वगैरह हो गई तो इसमें फास्ट नहीं रख सकता, इसलिए मैंने रखना छोड़िए, लेकिन मानता भी हूँ। तो आज है मंगलवार और 23 तारीख मंगलवार वाले दिन ही शादी हुई थी, मतलब फेरे लिए थे, मंगलवार को ही मेरा रिज़ल्ट आ चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि मेरा पीपीआर आ गया है, रिज़ल्ट आ गया है, बहुत ही बढ़िया हो गया भाई काम, मज़े आ गए, मतलब कल वाई भाई है आज मेरा भी आ गया। अब यार कभी बचपन में सोचा करते थे कि यार लोग विदेशों में घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कितनी साफ़ सुथरी जगह, ये सारी चीज़ क्या पॉसिबल है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास लोअर फैमिली मान लो धीरे धीरे मिडिल पे आए हैं, तो उस टाइम पे बचपन में तो एक सपना ही था मतलब, और आज ये हकीकत में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो बस यही है, अपने देखो और उसको
पूरा करने के लिए बस एक कदम बढ़ाने की देरी है, रास्ते आगे से आगे खुद ब खुद निकलने लगते हैं। नहीं बढ़ाओगे तो देखते ही रह जाओगे बस। ठीक है, तो बाकी घर पे रिएक्शन लेंगे उसका क्या रिएक्शन आता है। अभी मैं शूट पे आ चुका हूँ, लोकेशन पे शूट कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं आप लोगों को। ना डीजे लगवा दिया हमने, ये पार्टी कर ली आज ही। कहाँ गई मैडम? हो गया हमारा भी ये डीजे लग गया, पार्टी हो गई। लेट आना चाहिए था। आ गया ये डीजे गया। हमारा कैमरा लेट चालू होता है। हेलो, हमने डीजे वीजे लगवा दिया, कॉपीराइट ना आए तो हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। भाई मैडम का सेकंड सेमेस्टर का टाइम टेबल आने वाला है, वेट कर रहे हैं। 10 बजते ही आ जाएगा, अभी 7 मिनट आया। तो कौन सा होगा? ओए होए पीछे पे गाने भी चल रहे हैं। फॉल की क्लासेस शुरू होगी मई सितंबर में, और मेरा वो भी आ गया, डिंका टकला आ गया है भाई। डिंका टकला स्पाउस वीजा डिक्चे डबल हैप्पीनेस। और मैडम बोल रही है भूख लग रही है ना? हाँ, मेरे को भूख लग गई क्योंकि आज छोले भटूरे लंच किया था ना। मैंने फिर मैं सो गई 3 बजे से। अच्छा, आ रहा है। मैंने लेट चाय पी 6:30 बजे के बाद। ठीक है, आई एम हंग्री। अच्छा, व्हाट अबाउट द कनाडा? व्हाट अबाउट मिथ और रियलिटी? हाँ, थोड़े से लेटे लेटे से हो रहे हो। ठीक है, बात करें तो हाँ, चलो मैं बताऊँगा। इसने मेरे को बहुत सारी बातें बताई हैं, मैं भी बताऊँगा। विथ एंड रियलिटी ऐसा बुरा नहीं है, लेकिन कुछ डिफरेंट होती है चीज़ें। और बाकी ये देखते हैं कितने मिनट रह गए फिर। तो भाई डे टू में ऐसा है, थोड़ी सी बातचीत होगी। किससे? अरे टाइम टेबल से यार। टाइम टेबल दो ग्रुप आए थे इसके पास, तो एक मॉर्निंग का था, 3 छुट्टी भी थी उसके अंदर, बाकी क्लास मॉर्निंग की थी। वो वाला सेल अगर इसका हो नहीं पाया, जल्दी से फिलअप हो गया। और जब तक हम इस सिचुएशन को समझ पाते कि कौन सा कैसे सिलेक्ट करते, क्या टाइम देखना होता, कैसे देखना होता, सीट फुल हो चुकी थी। सेकेंड वाला जो सिलेक्ट हुआ है उसके अंदर सिर्फ 2 छुट्टी है, और कुछ 6 बजे की क्लासे हैं शाम को, 6 से 9:30, दो दिन है। तो ये सारा उल्टा पुल्टा हो गया। सुबह की क्लास सुबह की होती है, बंदा फ्री हो जाता उसके बाद, कहीं 2:30 बजे 4 बजे तक फ्री हो जाता, फिर उसके बाद पूरा दिन। ये दोबारा कहाँ से आ रहा है? तो भाई इसका थोड़ा सा मूड ऑफ सा था, बाकी करने अब 4 महीने देखते कैसे क्या होता है। टाइम टेबल बनाएंगे उसका, जॉब वगैरह का।